गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। स्टूडेंट दिस इज योर मैप, ठीक है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बताई जा रही है, ठीक है, जो आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ रहे हैं। तो ये मैप आपने अपने सामने रखना है, ठीक है, ताकि जो हम बता सके कि कौन से इंडिया के कौन से एरिया में कौन सी वेजिटेशन पाई जा रही है। तो ये मैप आपको काफी हेल्प करेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के क्या करेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स? यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर या कई एरिया में मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, मतलब बहुत बारिश होती है। ट्रीज रीचेस ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव, ठीक है, जो ट्रीज होते हैं वो 60 मीटर्स या उससे भी ऊंचे होते हैं। और इन पेड़ों का, इन फॉरेस्ट का जो शेडिंग टाइम पीरियड है, ठीक है, पत्तियों को गिराने का, वो कोई डेफिनेट नहीं होता है। ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में है। और यहाँ पर कई तरह के एनिमल्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, मंकी, डियर, ठीक है, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बोनी हो गया, रोजवुड हो गया, महगोनी ट्री हो गया, ठीक है, स्लॉथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो एनिमल है। प्लस आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट में ये जो ट्रीज होते हैं वो बहुत सघन होते हैं, ठीक है, बहुत डेंस होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, स्क्रब्स जो क्रीपर्स हैं, ठीक है, बुशेस जो हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ झाड़ियाँ सी बनी होती हैं। और ये इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि कई बार जो सनलाइट है, सनरेज जो हैं, वो नीचे तक ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। स्टूडेंट ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो हैं मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है एंड ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, और इंडिया के मेजर पार्ट को ये कवर करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज मोस्ट मॉइस्ट डेसीडियस। मॉइस्ट डेसीडियस जो है वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? जहाँ पे 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। और ड्राई डेसीडियस जहाँ पर 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर हो रही है बारिश। अब यहाँ पे मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट के एरिया जो है वो ये कहाँ पर है, ठीक है, द फुट हिल ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और ड्राई जो है वो कहाँ पर है कि एग्जिस्ट इन द रेनर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटूज, जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, प्लेन्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश। ट्रीज यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? दोनों में मोस्टली कॉमन ट्रीज जो हैं वो पाए जा रहे हैं, टीक, साल, बैम्बू, पीपल, नीम। लेकिन जो ड्राई डेसीडियस जो है वहाँ पर जो है जो ज़्यादातर ट्रीज जो है उनको साफ कर लिया गया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और इनका शेडिंग टाइम पीरियड जो है लीव का वो क्या है? ड्यूरिंग समर। और एनिमल्स जो है यहाँ पे पाए जा रहे हैं, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ठीक है, और वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एक्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब। स्टूडेंट थ्रॉन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पर रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो ज़्यादा डेंस नहीं होते, थ्रोनी ट्रीज होते हैं, कांटे वाले पेड़ होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ये कौन से एरिया में पाए जा रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ट्रीज जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एकाकाइस, पाल्म, यूफोरोबियस और कैक्टी, ठीक है। एनिमल्स यहाँ पे रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, वुल्फ, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टूडेंट ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें कैमल भी दिखाई दे रहा है आपको, वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा दिखाई दे रहा है, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, कैमल एस वी ऑल्सो नो दैट कैमल को हम क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? वेजिटेशन फाउंड इन द माउंटेन्स एरिया, ठीक है, जो माउंटेन में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माउंटेनियस फॉरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि डिक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन। इसी तरीके से जैसे जैसे आप हाइट में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको वेजिटेशन में जो है वो क्या आना शुरू हो जाएगा, डिफरेंस आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। द
The changes is the same in the succession of natural vegetation from tropical to the tundra region. जिस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन में ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन तक जाते जाते वेजिटेशन में चेंज आता है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर भी चेंजेस दिखाई देंगे. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस ग्रुप. ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट. ठीक है, हाइट्स आपको यहाँ पे दी हुई है 1000 to 2000 meter में वेट फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, 1500 to 3000 टेम्परेट पाए जा रहे हैं और अबव 3600 meter में अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं. ट्रीज जो है वो वेट फॉरेस्ट में क्या है, ब्रॉड लीव्स पाए जा रहे हैं, चौड़े पत्ते वाले पाए जा रहे हैं. ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, लो हिल ऑफ शिवालिक में पाए जाते हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट में जो है वहाँ पर क्या है, पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, ठीक है, स्प्राउस ये पाए जा रहे हैं. और ये जो ट्रीज होते हैं ये क्या होते हैं, कॉनी फेरेस होते हैं. ठीक है, कॉनी मतलब कॉन टाइप होते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर सिल्वर फिर की दी हुई है, वो ये इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बर्फ गिरती है और जब बर्फ गिरती है तो वो जब कॉन होंगे तो वो बर्फ झड़ जाएगी. ठीक है, ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर क्या है, कौन से जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं वहाँ पर, जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वहाँ वो वाले ट्रीज भी पाए जाते हैं, प्लस वहाँ पे ग्रासलैंड पाया जाता है. ठीक है, और ये ग्रासलैंड जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो वहाँ पे गुज्जर्स और बकरवाल्स हैं यानी ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो अपने पशुओं को चढ़ाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए इस ग्रासलैंड का यूज करते हैं. मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है, द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स. ठीक है, जहाँ पर टाइड्स आते हैं वहाँ पर ये टाइडियल फॉरेस्ट या मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द एरिया विद मड एंड सिल्ट, रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. देखिए ये जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये मड और सिल्ट में पाई जाती है. ठीक है, और यहाँ पे इनकी रूट्स जो होती है मैनग्रोव ट्रीज की, ये आपस में जुड़ी रहती है और पानी के अंदर होती है. क्यों, क्योंकि जब टाइड्स आते हैं तो क्या होगा, अगर ये जुड़ी नहीं होंगी आपस में इन ट्रीज की जो रूट्स हैं तो क्या होगा, ये बह जाएंगी, उखड़ के चली जाएंगी. लेकिन जब ये जुड़ी होती है आपस में तो ये आसानी से नहीं उखड़ सकते पेड़. ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, फाउंड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर, द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी. सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स, डेल्टा फाउंड ऑन द माउथ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र. जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मिल रही है वहां पर सुंदरबन डेल्टा बनता है और उसे हम मेघना कहते हैं. ठीक है, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड हियर. ठीक है, यहाँ पर सुंदरी ट्रीज आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये ट्रीज यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं जिनके ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर है. ट्रीज सच एज पाम, कोकोनट, क्यूरो, अगर ये भी पाए जाते हैं. और एनिमल जो है यहाँ का फेमस जो एनिमल है वो कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर. उसके अलावा टर्टल, क्रोकोडाइल, घरियाल्स और स्नेक्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं. मेडिसिनल प्लांट, स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे जो एंशियंट टाइम है, ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे वो लोग क्या यूज करते थे, औषधियाँ जो हर्ब्स वगैरह है वो यूज करते थे. आजकल की तरह मेडिसन्स तो थी नहीं. ठीक है, तो सिंस एंशियंट टाइम हर्ब्स एंड स्पाइसेस वेयर यूज एज मेडिसिनल प्लांट इन इंडिया. सम 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा में इन हर्ब्स के बारे में, इन प्लांट्स के बारे में काफ़ी डिस्क्राइब किया गया है. एटलीस्ट 500 आर इन रेगुलर यूज, और हम कॉमनली कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे स्पर्गंधा. इट इज फाउंड इन इंडिया ओनली एंड यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर. ठीक है, ये ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए होता है. ठीक है, और ये इंडिया में पाया जाता है. तुलसी अमूमन सभी के घरों में पाई जाती है, और हम जानते हैं कि जब ठंड होती है तो मम्मी जो होती है वो क्या करती है, ठीक है, यही कफ और कोल्ड जब हो जाता है तो तुलसी को बॉईल करके देती है. नीम, इट हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. नीम की प्रॉपर्टीज हम सभी जानते हैं. बबूल जो है, लीव्स आर यूज फॉर अ क्योर फॉर आई सोर. इट गम्स इज यूज एज टॉनिक. ठीक है, आई सोर जो अंजनी आ जाती है उसके लिए बबूल यूज होता है. जामुन, द पाउडर ऑफ सीड्स इज यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज. जामुन के जो सीड्स होते हैं उसको हम डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, कचनार, इट इज यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर. अस्थमा और अल्सर के लिए यूज किया जाता है. अर्जुन, यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर. ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए अर्जुन जो है उसको ये यूज किया जाता है. स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 44 to 48 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.